प्रताप सिंह के पिताजी इंडियन आर्मी में मेजर थे। उनकी इच्छा थी कि प्रताप सिंह भी एक सैनिक बने। तुम एक सैनिक के बेटे हो, तुम्हें भी सेना ज्वाइन करना ही चाहिए। पर पापा, मुझे सैनिक नहीं बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना है। एक सैनिक के बेटे होकर देश सेवा के लिए नहीं बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस दिन मेजर सिंह ने प्रताप को बहुत समझाया, पर प्रताप ने ये सोच लिया था कि वो बिजनेसमैन ही बनेगा। कुछ दिनों बाद प्रताप को एक नमकीन की दुकान डालने का आइडिया आया। उसने अपना सारा प्लान बना लिया, अच्छे से रिसर्च की, एक हलवाई भी ढूंढ लिया और कुछ ही दिनों में प्रताप ने अपनी नमकीन की दुकान खोल ही ली, भारत नमकीन मार्ट। प्रताप की माँ दुकान की ओपनिंग में आई थी, पर मेजर सिंह नहीं आए। प्रताप अपने बिजनेस में जी जान से लग गया। वो सुबह से शाम तक अपनी दुकान में ही रहता, खुद भी ढेर सारा काम करता था। धीरे धीरे भारत नमकीन मार्ट में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। प्रताप का बिजनेस चल पड़ा था। अब उसने और लोगों को काम पे रख लिया था और खुद काउंटर पे बैठा था। एक साल में प्रताप ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। वो बहुत खुश था। इस साल मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है। उसने तुरंत एक चेक बनाया 2 लाख रुपए का इंडियन आर्मी के लिए और एक दूसरा 2 लाख का चेक बनाया विडो फाउंडेशन के लिए। बचे हुए 6 लाख रुपयों से प्रताप ने दूसरे मार्केट में एक नई दुकान खोली। अब उसका बिजनेस बढ़ रहा था। जल्द ही उसकी 3-4 और दुकानें खुल गईं। लेकिन हर साल वो अपने प्रॉफिट का 20% आर्मी को डोनेट करता था और 20% आर्मी में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के लिए। एक दिन मेजर सिंह अपने घर में बैठे थे कि उनका दोस्त हरविंदर उनसे मिलने आया। ओए सिंह, अरे हरविंदर, कैसा है तू मेरा यार? एकदम मस्त, बढ़िया। अरे लवली, लस्सी दे, समोसे ले आ, हरविंदर आया है। हाँ बाबी जी, और आपकी स्पेशल चाय भी। और बता, आज कैसे याद आई तुझे मेरी? अब सेलिब्रिटी को कौन भूल सकता है? सेलिब्रिटी? हाँ, तेरा नाम तो आर्मी के हर जवान के नाम पे है। मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? अब तू हर साल करोड़ रुपए आर्मी को डोनेट करेगा तो तेरा नाम फेमस नहीं होगा। मैंने डोनेट किया। और तो और, तू तो आर्मी में शहीद हुए जवानों की विधवाओं की भी मदद करता है। सरकार टाइम पे बोनस दे ना दे, तेरा नाम का चेक हमेशा समय पर आ जाता है। मेजर सिंह कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हरविंदर बोल क्या रहा है। हरविंदर के चले जाने के बाद मेजर सिंह ने अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रताप सिंह हर साल मेजर सिंह के नाम से आर्मी और विधवाओं के लिए पैसे डोनेट करता है। पर उसको तो पैसे कमाने का शौक था ना? आपका पुत्र है, देशभक्ति तो होगी ही। मेजर सिंह को अब समझ आया कि सेना में होकर ही देश सेवा नहीं होती। वो अपने बेटे से मिलने उसकी दुकान पर गए और प्रताप पापा को देखकर फूले ना समाया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से मेजर सिंह भी अपने बेटे के बिजनेस में उसकी मदद करने लगे और खुद अपने हाथों से आर्मी के जवानों और उनकी विधवाओं को डोनेशन देने लगे। देखा लवली, मेरे बेटे ने प्रूव कर दिया कि वो मेरा पुत्र है, सच्चा देश भक्त। मुझे तो पहले से ही पता था। विवेक और राधा का एक आम सा परिवार था जिसमें उनकी जुड़वा बेटियां थी, सीता और गीता। सीता अक्सर किताबों में घुसी रहती थी और गीता को तो पढ़ाई एक आंख नहीं भाती थी। वो पढ़ाई की बुक के अंदर कॉमिक्स पढ़ा करती थी और जब रिजल्ट का दिन होता
तो गीता का चेहरा हमेशा लटका हुआ ही रहता, क्योंकि टीचर उसकी मम्मी को अच्छे से खरी खोटी सुनाया करती। और जब बात सीता की आती तो टीचर हमेशा तारीफ करते नहीं थकती थी। लगता ही नहीं कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। एक क्लास में फर्स्ट आती है और दूसरी हमेशा फेल होती है। आप गीता की पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। विवेक और राधा टीचर के सामने कुछ बोल ही नहीं पाते थे। क्लास से बाहर निकलकर विवेक गीता को डांटने लगा। गीता, कभी तो पढ़ाई को सीरियसली लो। हमेशा तुम्हारी वजह से टीचर की बातें सुननी पड़ती है। कुछ तो सीखो सीता से। तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? विवेक गीता को डांट रहा था। ये सब पीटी टीचर ने देख लिया और वो वहाँ आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गीता। गुड मॉर्निंग। आप इसे डांट क्यों रहे हैं? सर, आप तो जानते ही होंगे, हर एग्जाम में फेल हो जाती है। ये देखिए, सीता हमेशा टॉप करती है और गीता हमेशा फेल हो जाती है। टीचर हमेशा गीता के लिए सुनाती है। अब आप ही बताइए, इसका क्या करूं? सर, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। माना सीता और गीता जुड़वा बहने हैं, पर उन दोनों की भी पसंद अलग है। गीता स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है, पर सीता को स्पोर्ट्स नहीं पसंद। आपको गीता को उस चीज में सपोर्ट करना चाहिए जो उसे पसंद है। अगर गीता को आप सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर बन सकती है। मुझे गीता पर बिलीव है। मैं खुद आपके घर आने वाला था ये पूछने कि क्या मैं गीता की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं? पीटी सर की बात सुनकर विवेक और राधा को लगा कि उन्हें गीता को भी सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है सर, आप इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगले दिन सुबह सुबह पीटी टीचर गीता को पिक करने आए। वो दोनों दौड़ते हुए बैडमिंटन ग्राउंड पे गए और वहाँ अगले 2 घंटे गीता ने बैडमिंटन प्रैक्टिस की। गीता बहुत फोकस्ड थी। ये सिलसिला 2 महीनों तक चलता रहा और फिर गीता एक इंटरनेशनल बैडमिंटन मैच में उतरी। विवेक और राधा अपनी बेटी का मैच देखने आए। वो लोग दंग रह गए गीता की फुर्ती देखकर। ऑडियंस के मुंह से गीता का नाम सुनकर राधा की आंखों में पानी आ गया। गीता ने वो मैच जीत लिया और यहाँ से शुरू हुआ गीता का सफर। गीता अब भी अपने पीटी सर के साथ ट्रेनिंग करती थी, पर अब उसे फॉर्मल बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन करनी थी। मैं तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, महीने के 20,000 ट्रेनिंग के लिए कैसे लाऊंगा राधा? लेकिन गीता का सपना भी पूरा करना है। बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम कैसे मदद कर सकती हो? मैं पापड़ और अचार बनाकर बेचूंगी तो 15-16 हजार कमा ही लूंगी। पर तुम घर का काम करते हुए ये सब कैसे करोगी? आप मेरी मदद कर देना और सीता गीता तो है ही, सब हो जाएगा, फिकर मत कीजिए। गीता की ट्रेनिंग के लिए सारा परिवार पापड़ और अचार बनाकर बेचने लगा। 1 साल बाद गीता स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियन बन गई। अब भी उसका सारा परिवार उसका खर्चा उठा रहा था। गीता ने जी जान से मेहनत की। वो घंटों तक ट्रेनिंग करती थी और 6 महीने बाद उसने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत ही लिया। गीता की तस्वीर अखबार और न्यूज पर आने लगी और गीता को अलग अलग स्पोर्ट्स कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिलने लगी। अब गीता एक सेलिब्रिटी बन गई थी। उसकी ट्रेनिंग और घर का खर्चा अब स्पॉन्सरशिप से आ रहा था। अब गीता और भी ज्यादा फोकस थी। उसका सपना था कि वो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीते। अब वो पूरा पूरा दिन ट्रेनिंग करती थी। जो टाइम बच जाता वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब गीता ने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ही ली। हर जगह गीता के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। स्टेट गवर्नमेंट ने गीता को एक बंगलो गिफ्ट किया और वो एक बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड की
ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। अब गीता अपने पूरे परिवार का खर्चा खुद संभाल रही थी। विवेक जी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी और गीता का सारा परिवार खुश था। पर किसे पता था कि स्पोर्ट्स में भी करियर बनाया जा सकता है। अब जब विवेक और राधा गीता की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, तो हंस पड़ते हैं। मधु अपने माँ पापा की लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। ये लीजिए पापा, मैंने ये कुर्ते के बटन टांग दिए हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम्हें सिलाई करना भी सीख लेना चाहिए। क्या पता ससुराल में काम आ जाए। क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे। मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे मधु के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। मधु को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो वो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। यहीं वल्लभ ने मधु को देखा और उसे वो भा गई। वल्लभ ने मधु के पिताजी से रिश्ते की बात की और कुछ महीनों बाद वल्लभ और मधु की शादी हो गई। वल्लभ अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब ठीक था। दो साल बाद जब मधु ने बेटी को जन्म दिया, देखिए जी कितनी प्यारी है, आंखें देखिए। अब क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को पैदा किया है। पर लड़का हो या लड़की, है तो ये हमारी ही ना। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। वल्लभ वहां से चला गया और मधु रोने लगी। कुछ देर बाद मधु के पापा वहां आए। मधु ने उन्हें सब कुछ बताया। तू फिकर मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो इस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे, आखिर उसका अपना खून है। मधु के पिताजी उसे दिलासा देने लगे। फिर वो वल्लभ से मिलने उसके घर गए। बेटा वल्लभ, तुम इतने समझदार हो। बेटा ये बेटी होना तो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। वल्लभ ने मधु के पिता की बात मान ली और वो मधु को लेने अस्पताल गया। वल्लभ मधु को घर तो ले आया, पर वो खुश नहीं था। अरे ओ मधु, इस लड़की का शोर सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं, मेरी माँ इसको चुप करवाओ। वल्लभ को अपनी बेटी एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे कुछ महीने बीत गए और मधु एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी। मधु को अस्पताल में एडमिट किया गया और वल्लभ बाहर इंतजार करने लगा। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। लड़की का नाम सुनते ही वल्लभ का मुंह लटक गया और वो तुरंत वहां से चला गया। आपके पति ऐसे चले क्यों गए? क्या वो कहां गए? मधु वल्लभ को रोकने उठ ही रही थी कि तभी उसके पिता वहां आ गए। पापा पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, जो विधि है वो होगी ही। मधु अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मधु के पापा एक बार फिर वल्लभ से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है, आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। पर वो बच्चियां तुम्हारी भी हैं। उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर मधु के पापा हताश होकर वहां से चले गए। वो मधु और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। मधु के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो मधु और उसकी बेटियों को अच्छे से पाल सकें। लेकिन दो साल बाद मधु के पापा चल बसे। अब मधु के पास कोई सहारा नहीं था,
मधु ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लग गई। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालते संभालते सिलाई का काम भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और स्कूल जाने लगी। मधु की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माया को सपोर्ट कीजिए। वो टैलेंटेड है और बहुत जल्द आपका नाम रोशन कर दिखाएगी। सर, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी। पीटी सर ने माया की कोचिंग जारी रखी और मधु दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वो माया को सेहतमंद खाना और उसकी स्पोर्ट्स की जरूरत की चीजें दिलवा सकें। माया भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इन दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। माया ने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया जब उसकी और उसकी माँ की तस्वीर अखबार में आई। ये तस्वीर देखकर वल्लभ सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम उस अखबार में होता अगर वो बेटी के जन्म पर अपनी पत्नी को अकेले ना छोड़ देता। उसकी इच्छा थी कि वो वापस जाकर माफी मांगे, पर अब किस मुंह से।